नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू उन्नति कंपटीशन क्लासेस। उन्नति कंपटीशन क्लासेस में दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने इस वीडियो का टाइटल रीड कर लिया होगा, आपको अंदाजा मिल गया होगा कि इस वीडियो में मैं आज क्या आपसे बात करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा, आज मैं बात करने वाला हूँ अगेन मॉक टेस्ट की। दोबारा से एक नया मॉक टेस्ट आपके सामने लेकर आया हूँ जो है इंग्लिश सेक्शन का। अगेन 25 क्वेश्चंस, मोस्ट एमपी क्वेश्चंस। और जो इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो अभी सब्सक्राइब ना करें। जी हाँ दोस्तों, अभी सब्सक्राइब बिल्कुल मत करें। क्यों, मैं आपको इसका रीजन बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चंस मैं आज आपको दिखाने जाऊंगा, आपको आज समझाने जाऊंगा, उन सबका जो लेवल है उन सबका लेवल केवल टायर वन तक का है, सीजल टायर वन तक का। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन को स्किप ना करें। अगर आप टायर टू के एग्जाम दे चुके हैं या टायर टू तक का अपने इंग्लिश का सेक्शन, इंग्लिश के ग्रामर, इंग्लिश के वोकैब सब याद कर रखे हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, मैं माफी चाहूंगा। अगर टाइम है आपके पास, कुछ नया आपको ठीक है देखना है सीखना है तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे अभी फ्रेशर हैं, जिनको मात्र का भी अभी केवल 3 महीने या 6 महीने हुए हैं, जिनके पास एग्जाम का टाइम बहुत कम है, जो लोग स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं, मोटी मोटी किताब पढ़ने का उनके पास टाइम नहीं है, तो उनके लिए ये वीडियो काफी यूजफुल है। दोस्तों विदाउट एनी डिले करते हैं आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट। चलिए तो सबसे पहले आप रीड करेंगे डायरेक्शन, कि डायरेक्शन में हमसे क्या पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको आंसर देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 सेम इसी तरह से आपको एग्जाम में पूछेगा। सबसे पहले पूछेगा आपसे बेस्ट टैक्स प्लेसेस, इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग काफी बच्चों को पता होगा, जिसको नहीं पता इसका मतलब होता है सिनोनिमस, मतलब समानार्थी शब्द या फिर सिमिलर वर्ड। आपको यहाँ पे कुछ भी कह सकता है बट आपसे समानार्थी शब्द नहीं बोलेगा, क्योंकि ये जो मैंने वर्ड यूज करा है ये होता है हिंदी में यूज। यहाँ बोलेगा सिनोनिमस, सिमिलर वर्ड या बेस्ट एक्सप्रेसिस, ठीक है। तीनों का मतलब सेम होता है, काफी बेसिक ये डायरेक्शन मैंने आपको समझाई, ठीक है। अब बात करते हैं कि एक वर्ड आपको देगा, उसके 4 ऑप्शन देगा, इसमें से ए बी सी डी में से कौन इसका सिमिलर वर्ड है वो हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। एग्जाम सेम ऐसे होने वाला है, जिनकी तैयारी काफी अच्छी है इंग्लिश की वो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर निकाल सकते हैं, अपना स्कोर अपना लेवल चेक कर सकते हैं कि वो कहां पर स्टैंड करते हैं, ठीक है। देखिए प्रयास करिए आप भी अटेम्प्ट करने का, डरिए मत इसका, एक एक का सही आंसर क्वेश्चंस का मैं आपको अभी समझाऊंगा बताऊंगा, अपने आंसर टैली करिए, आपका फाइनल स्कोर जो भी बनता है हो सके तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में बोलते हैं हमसे फ्लैगमेटिक, फ्लैगमेटिक का जो रियल मीनिंग होता है हिंदी में जो इसका अर्थ होता है वो होता है शांत, काम, इनएक्टिव, निष्क्रिय, ठीक है। निष्क्रिय का मतलब जो कोई क्रिया ना कर रहा हो, इसको हम लोग अनकंसर्न भी कहते हैं, इनडिफरेंट भी कहते हैं। तो ए बी सी और डी, इनमें से हमारा सही जवाब क्या होगा, इसमें से हमारा राइट आंसर होगा बच्चों इवन टेम्पर्ड, मतलब थिन हग और वर्ली का शांत से कोई मीनिंग नहीं है, इनएक्टिव निष्क्रिय से कोई संबंध नहीं रखता। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। बच्चों एग्जाम में आपको बस केवल वोकैब को स्ट्रांग करके जाना है, क्योंकि वोकैब अगर आपकी स्ट्रांग होगी तो आपके पास एंटोनिमस, सिनोनिमस और जो पैराग्राफ आएंगे उसमें कभी कभी वो टिपिकल वर्ड यूज करता है, टिपिकल वोकैब का यूज करता है। अगर आपको वोकैब स्ट्रांग नहीं होगी तो पैराग्राफ का क्या मीनिंग है, क्या वो पूछना चाह रहा है, हमको क्लियर नहीं हो पाएगा, इसलिए वोकैब पर जोर दीजिए। इस चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहां पे आपको राजेश्वरी पब्लिकेशन के नाम पर कुछ वीडियो मिलेगी जिसमें एक एक वोकैब हमने आपको एक सही तरीके से समझाने का पूरा प्रयास करा है, जिसको बोलते हैं निमोनिक मैथड। निमोनिक मैथड एक ऐसा मैथड है जिसके द्वारा आप एक एक वर्ड को, एक एक जो भी आपके सामने वर्ड आएगा उसको एक लाइफ के रियल एग्जाम्पल से कनेक्ट करके हम उसको याद कर लेते हैं। चलिए फिलहाल शॉर्ट में आपको मैं इतना बताऊंगा, आप जाइए प्लेलिस्ट में अभी नहीं वीडियो के एंड में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहता है अगेन वही सिमिलर वर्ड, डायरेक्शन आप नहीं दिए है क्योंकि हमको आवश्यकता नहीं है, हमको पता है उसने पिछले क्वेश्चन में हमने हमसे बोला था क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 दोनों ही क्वेश्चन पे क्या पूछा जाएगा, बेस्ट एक्सप्रेसिस, ठीक है।
इसमें बोला है प्रीमोनिशन। प्रीमोनिशन इसका मतलब होता है घटित होने वाला, जो फ्यूचर में होने वाला है। बट ये जो सेंस होता है, ये जो वर्ड यूज होता है, ये वर्ड यूज होता है नेगेटिव में। अगर कोई भी घटित होने वाली बात है जो काफी नेगेटिव बात है, जैसे भूकंप आने वाला है, यार मुझे लग रहा है कि आज बारिश आएगी, हम एग्जाम देने नहीं जा पाएंगे, या फिर आज बहुत बारिश आएगी, आज बहुत गर्मी होगी, मुझे चक्कर आ सकते हैं आज अगर मैं आज क्लास लेने गया। ठीक है, तो ये सब अनुमान है फ्यूचर को लेकर के, नेगेटिव अनुमान है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी सी डी में से कोई नहीं होगा, इसको बोलते हैं चेतावनी। चेतावनी। सेकंड का राइट आंसर क्या होगा? ए। ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर टू, प्रीमोनिशन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड और फाइव जो है हमारे पास में, डायरेक्शन हमारी अब दे रहा है, तो मतलब हमसे अब कुछ और पूछना चाहता है वो। ठीक है, तो यहाँ वो पूछ रहा है हमसे अपोजिट। यहाँ देखा है, देखो पढ़ो आप, अपोजिट इन मीनिंग, एक मीनिंग देगा, एक वर्ड देगा, उसका अपोजिट क्या होगा। अब आप सिमिलर वर्ड को माइंड से हटा देंगे, क्योंकि जो बच्चे एग्जाम पहली बार देने जाते हैं तो वो पांचों के पांचों आंसर जो होते हैं सिमिलर वर्ड के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करके आते हैं। तो ऐसी गलती प्लीज मत करना एग्जाम में। ठीक है, पहली बार थोड़ा फर्स्ट टाइम आप एग्जाम देने जाते हो, थोड़ा सा हॉपलेस हो जाते हो, बट एग्जाम में थोड़ा से कूल और काम तरीके से जाएं, अच्छे स्कोर आप करेंगे। अगर आप डर के जाएंगे थोड़ा सा, तो एग्जाम बिगड़ने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, देखिए पहले मैं बताऊंगा आपको इसका मीनिंग क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो हिंदी में मीनिंग है, इसको हम पढ़ेंगे रेक्लूज। रेक्लूज का जो हिंदी में अर्थ होता है, इसका जो मीनिंग होता है, वो होता है अकेला रहने वाला व्यक्ति, एकांत में रहने वाला व्यक्ति। वार्निंग, सैडनेस और एडवाइस, इसमें से हमको पता है वार्निंग चेतावनी, सैडनेस उदासी, एडवाइस का मतलब सलाह। तो इन तीनों में से कोई नहीं होगा। बचा क्या? ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस का मतलब होता है ग्रुप में रहने वाला व्यक्ति। तो अपोजिट वर्ड पूछ रहा है हमसे, तो रेक्लूज का अपोजिट वर्ड क्या होगा? ग्रीगेरियस। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा और आप इसके नोट्स बना रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर फोर, ओपोरोबेरियम। ओपोरोबेरियम भी बोलते हैं इसको। अब इसका अर्थ होता है किसी को क्रिटिसाइज करना। क्रिटिसाइज का जो मतलब होता है, कुछ बच्चे होंगे जिनको मतलब ना पता हो, तो उसका मतलब होता है किसी की बुराई करना, आलोचना करना, इसको हम ऑप्रोबीरियम कहते हैं। ठीक है, तो ये एक नाउन है और नाउन के अकॉर्डिंग हमको बताना है इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा। देखिए वेरी इजी, बहुत आसान नहीं हो सकता, मॉडर्न मतलब आधुनिक नहीं हो सकता, सस्पेंसफुल भी नहीं होगा। प्रेज का मतलब होता है किसी की तारीफ करना, किसी की तारीफ मतलब किसी को प्रे करना। तो इसका जो अपोजिट वर्ड होगा वो होगा सी, प्रेज। आप लिखिए नोट्स में ऑप्रोबेरियम, आलोचना करना, बुराई करना, फिर लिखिए आप इसका एंटोनिमस, मतलब अपोजिट वर्ड क्या होगा? प्रेज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर, क्वेश्चन नंबर फाइव। इनहिबिट, इसका जो मतलब होता है हिंदी में, इसका मतलब होता है रोकना या बाधा डालना या रुकावट पैदा करना। यहां हमसे अपोजिट वर्ड मतलब एंटोनिमस पूछ रहा है हमसे। ये बात भी एग्जाम हॉल में आपको नहीं भूलनी चाहिए कि यहाँ पे हमसे अपोजिट वर्ड पूछ रहा है। एक बार उसने डायरेक्शन में दिखा दिया हमको, अगले क्वेश्चंस में वो हमको अपोजिट वर्ड के बारे में ऊपर डायरेक्शन नहीं देगा। तो इसका जो राइट आंसर होता है, इसका हिंदी मीनिंग हमको चलिए पता कि रोकना, बांधा डालना। ठीक है, एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार, पैम्पर का मतलब प्यार करना। ठीक है, ब्रीड का मतलब एक नस्ल को बोलते हैं। इन तीनों में से ये चीज नहीं होगा, इसको बोलते हैं प्रमोट करना। जैसे आप कोई मूवी देखते हैं, मूवी रिलीज होने से पहले हीरो
हीरो हीरोइन किसी शो में आते हैं, वो अपने मूवी को प्रमोट करने के लिए आते हैं, मतलब उसको आगे बढ़ाने के लिए आते हैं कि सब लोग उसको देखें, उसकी अर्निंग मैक्सिमम हो, लोग उस मूवी के बारे में जानें, तो उसको बोलते हैं प्रमोट करना। प्रमोट का मतलब आगे की ओर मूवी को पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ाना। तो ये इसका क्या होगा, अपोजिट। क्वेश्चन नंबर सिक्स में डायरेक्शन अपडेट करिए, क्या पूछ रहे हमसे, इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस देखिए, फॉर गुड इसका मतलब होता है हमेशा के लिए, फॉर एवर। तो इसमें हमसे पूछ रहा है इडियम्स। टेम्परेरी का मतलब टेम्परेरी, सीरियसली का मतलब काफी उदास व्यक्ति, काफी गंभीर, परमानेंटली का मतलब होता है हमेशा के लिए। ये बात अपने माइंड में परमानेंटली सेव कर लो कि तुम्हारा एग्जाम क्लियर होगा। तो परमानेंटली का मतलब क्या हो गया, फॉर गुड। या फिर मैं आपसे एक बात, एक एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैं आपसे बोलूं कि ही इज लेफ्ट द कंट्री फॉर गुड, उसने हमेशा के लिए क्या करा, देश छोड़ दिया है, ठीक है। तो इडियम फ्रेजेस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये एग्जाम में कई बार पूछा गया, इसलिए मैंने इसको इस मॉक टेस्ट में रखा है। आप इसको नोट करिए, फॉर गुड इडियम फ्रेजेस परमानेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इडियम फ्रेजेस अगेन हमसे पूछ रहा है, ए फेयर क्रैक ऑफ द वाइप। तो इसका जो मतलब होता है, किसी को फेयर चांस देना। जैसे कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, पहले दिन आप गए और आपको उस काम का आइडिया नहीं था, कोई सीनियर आपके पास आया और उसने आपको समझाया और चला गया, ठीक है, और आपसे अचानक से गलती हो गई और आपको बोला कि आप जॉब छोड़ के जा सकते हो, तो आपको उसने गलती को सुधारने का एक भी, कोई भी फेयर चांस नहीं दिया। लेकिन अगर वो आपको फेयर चांस देता है, तो गेट ए फेयर चांस होगा, उसके लिए आप इडियम्स यूज करेंगे, ए फेयर क्रैक ऑफ द वाइप या व्यू। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। कैच अप विद, तो बच्चों इसका अर्थ क्या होता है, जैसे किसी चीज में इन्वॉल्व होना। किसी चीज में इन्वॉल्व होने का मतलब क्या होता है, कैच अप विद। इसका मतलब हम लोग अरेस्ट से भी लेते हैं, ठीक है। इन्वॉल्व का मतलब आप इस गुनाह में, इस अपराध में इन्वॉल्व थे, मतलब आपको हम लोग अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए आपको एग्जाम में पैराग्राफ ऐसे ही पूछेगा, सेम इसी पैटर्न्स में आपको एग्जाम में एक पैराग्राफ देगा, फिलर्स देगा आपको फिल करने हैं। 9 क्वेश्चन नंबर, ये जो 9 लिखा हुआ है यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस 9 में क्या फिल होगा, इसमें से कोई एक वर्ड, ए बी सी डी। तो हमको सबसे पहले पैराग्राफ का सही अर्थ निकालना है कि इसका सही मीनिंग क्या होगा, उसके बाद हम इसका राइट आंसर निकाल पाएंगे। तो इसलिए आप लोग पैराग्राफ को भी डेली एक पैराग्राफ रीड करा करिए, उसके बाद में आप देखिए आप कितना इंप्रूव करते हैं अपने अंदर। इसको हम लोग क्लोज टेस्ट भी बोलते हैं, फिलर्स भी कहते हैं, काफी सारे नाम हैं इसके। तो देखिए इसमें सबसे पहले मैं इसका मीनिंग आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। वंस बॉडी कैन बी कैप्ट हेल्थी बाय अडॉप्टिंग ब्रीथिंग प्रोग्राम्स दैट यूज द रेस्पिरेटरी सिस्टम टू इट्स मैक्सिमम पोटेंशियल्स लेटिंग इन डैश। इसमें हमसे बोल रहा है कि हमारी बॉडी जो है उसको हेल्थी रखा जा सकता है ब्रीथिंग प्रोग्राम को एडॉप्ट कर, जिसमें हम रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब श्वास संबंधी जो तकनीक होती है उसको ज्यादा से ज्यादा अगर हम यूज करें। तो देखिए, लेट इन मच, ए जो ऑप्शन है आपका यहाँ पे होगा लेट इन मच ए। तो यहाँ पे जो होगा ऑक्सीजन के साथ में यहाँ पे 9 में आएगा लेट, लेटिंग इन मच, तो यहाँ पे आएगा मच, सिंपल ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हमारा लग जाएगा। अगली बात करते हैं हम लोग, 10वें में क्या आएगा, 10वें में होगा बी। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे यहाँ दिखाता हूँ, देखिए 10 में जो फिल होगा वो होगा बी इंटू। देखो इंटू का यूज क्यों होगा, सबसे पहली बात तो ये, इनटू का यूज हमेशा हम लोग करते हैं मोशन में, गति में, जिसमें स्पीड होती है।
वहां पे अब हम लोग इनटू का यूज होता है, सांस अंदर ले रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं, तो ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, तो मोशन वाली कंडीशंस में क्या होता है, वहां पे इनटू का यूज होता है। ठीक है, बहुत ही बेसिक बेसिक बच्चों बच्चों वाले ये रूल है, बच्चों को नहीं पता होता फिर भी, तभी तो आप बच्चे हैं। ठीक है, आप भी बड़े हो जाएंगे, आप पढ़िए ईमानदारी से, मेहनत से पढ़ेंगे, नंबर आएगा आपका, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एग्जाम में जाए तो कम से कम तैयारी के साथ जाए, खाली हाथ आए खाली हाथ गए प्लीज ऐसा मत करना। अगला जो है हम लोग बात करेंगे इसमें, देखो तब तक आगे मैं पढ़ता हूँ इसमें, टेन के बाद में क्या कह रहा है हमसे, एज पॉसिबल वाइल रिमूविंग एज मच डैश कार्बन डाइऑक्साइड एज पॉसिबल, तब तक आप उसकी प्रैक्टिस करिए जब तक ये आपका नेचुरल एक्शन नहीं बन जाता। किसकी बात कर रहा है, वो कर रहा है हमसे श्वास संबंधी, जो हम सांस अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, अगर ये टेक्निक हमको आ गई, ये हमारे लिए काफी यूजफुल होती है, इसकी प्रैक्टिस करते रहें जब तक ये हमारा क्या होता है नेचुरल संस्कार नहीं बन जाता। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में राइट आंसर होगा WASTE, सी सी यहाँ पे 11 में फिल हो जाएगा। द मोस्ट इफेक्टिव इज टोटल ब्रीथ कंट्रोल प्रैक्टिस 8। क्वेश्चन नंबर 12 में आप देखिए क्या फिल होगा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे फिलर नंबर 12 है, 12 में होगा अंटिल, जब तक हम लोग क्या करते हैं, जब तक हमारे ये नेचुरल एक्शन नहीं बन जाता, तो यहाँ पे ये फील हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अंटिल जब तक। 13 में हमसे पूछ रहा है, देखो 13 में पूरा मीनिंग आपको बता दिया कि क्या पूछ रहा है हमसे, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे बच्चों बोल रहा है, कह रहा है जब आप ऐसा करते हैं तब आप काफी कम थका हुआ फील करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा वैन का यूज। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ये दोस्तों अब स्टार्ट हो गया है हमारे सामने सेंटेंस इंप्रूवमेंट का पार्ट। यहाँ पर क्वेश्चंस टैग का इस्तेमाल होगा, कहीं पर ग्रामर का रूल इस्तेमाल होगा, कहीं पे कुछ तो कहीं पे कुछ, तो इस टाइप के ग्रामर के रूल आपसे एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, कई बार क्या हर बार पूछे जाते हैं, तो इसलिए ग्रामर के कुछ बेसिक रूल आपको पता होने चाहिए। अगर आपको नहीं पता है, आप प्ले लिस्ट में जाइए, इंग्लिश के मॉक टेस्ट में 1 से लेकर 25 क्वेश्चन आपको समझाने का पूरा प्रयास करा गया है, और उसमें हर तरह के ग्रामर के रूल जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वो सभी क्वेश्चन आपको समझाने का पूरा प्रयास पूरे दिल से करा गया है, और जो स्टूडेंट काफी सीरियस है उन सब ने अपने नोट्स बना लिए होंगे, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में, क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे कहता है कि इट वाज रियली स्मार्ट ऑफ हिम ए टू हैव चूजन द राइट कोर्स, बी में है इज नॉट इट। देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे वाज का प्रयोग करा गया है, तो मतलब यहाँ पे अगर वाज का प्रयोग करा गया है मतलब पास्ट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे इज नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा wasn't it, was and it। तो जो पार्ट सी है, पार्ट सी में हमारे पास एरर है, यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आएगी was। कितना बेसिक क्वेश्चन था, देखो क्वेश्चन टैग से भी लेकर के आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछता है, इसको बोलते हैं क्वेश्चन टैग वाली कंडीशंस, आपसे वो क्वेश्चन टैग के माध्यम से कोई स्टेटमेंट कंफर्म करना चाहता है, आज वो आएगा आएगा या फिर नहीं, इस तरह के एग्जांपल जो आप पूछते हो हिंदी में तो उसको बोलते हैं क्वेश्चन टैग। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, इसमें कह रहा है हमसे कि ही टोल्ड दैट, पार्ट ए में दिया है उसने, ही टोल्ड दैट हिज ब्रदर वाज सिंगर, डी पार्ट में है, नो एरर, अगर कोई एरर नहीं है तो आप चूज करेंगे डी। तो यहाँ पर जो होगा ऑक्यूपेशंस है, ऑक्यूपेशन जैसे होता है कि डॉक्टर सिंगर और प्रोफेसर से पहले हम ए का प्रयोग करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 15 में पार्ट सी में वाज ए सिंगर होगा, तो यहाँ पे वाज के बाद लगेगा ए, सिंगर से पहले लगेगा ए, ये ऑक्यूपेशन है। तो रूल्स में अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ऑक्यूपेशन जैसे डॉक्टर सिंगर प्रोफेसर से पहले हम हमेशा ए का प्रयोग करते हैं, ऑक्यूपेशन को कभी भी सिंगल वे में हम नहीं लिखते,
इसके साथ हमेशा क्या आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में है, इन मैनी रेस्पेक्ट्स इंडिया ए डिफरेंट देन वेस्टर्न कंट्री। देखिए डिफरेंट के बाद हम देन का प्रयोग कभी भी नहीं करते हैं, ये कई बच्चों को रूल पता होगा क्योंकि ये रूल मैं सेकंड टाइम रिपीट कर रहा हूँ, मैंने एक मॉक टेस्ट है 2 या 1 में करवाया था। अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं इंग्लिश के तो अगेन रिपीट कर रहा हूँ आपसे, आप वो देखिएगा ध्यान से और नोट्स बनाइएगा। अगर आप सीरियस स्टूडेंट है तो नोट्स बनाएंगे, अगर आप सोच रहे हैं कि एक बार वॉच करके रूल आपको याद हो जाएंगे तो आप इस वीडियो के साथ चीट कर रहे हैं, उससे पहले आप अपने साथ कर रहे हैं। तो एग्जाम क्रैक करना है तो प्लीज सीरियस तरीके से पढ़िए, थोड़े सीरियस स्टूडेंट बन जाइए, थोड़ा कष्ट करिए पेन उठाने का पेज उठाने का, फिर देखिए कितना कॉन्फिडेंस आपका इम्प्रूव होता है। ठीक है, देखिए डिफरेंट के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसके बाद देन का यूज नहीं होता है, यहाँ पे देन एक्स्ट्रा लगा है, देन को आप काट देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देन के स्थान पर यूज करेंगे फ्रॉम का, फ्रॉम FROM फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 15, अगेन चार पार्ट, 16 अगेन चार पार्ट, ए बी सी डी, कौन से पार्ट में आ रहा है हमसे पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, 15 दोबारा रिपीट हो रहा है तो इसको आप छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 को आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है हमसे, एनी ऑफ द टू बॉयज कैन गो टू द मार्केट। टू बॉयज के लिए हम एनी के स्थान पर आइदर का प्रयोग करते हैं क्योंकि एनी का प्रयोग हम दो से अधिक के लिए करते हैं। टू बॉयज साफ साफ उसने हमको क्वांटिटी दे दी, बॉयज कितने हैं केवल दो बॉयज, एनी का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा, एनी का प्रयोग होता 3, 4, 5, 6, 7 मतलब प्लस 2 वाले केस में। ठीक है, तो पार्ट ए में हमारे पास क्या है, यहाँ पर एरर था तो यहाँ हम बोलेंगे आइदर ऑफ द टू बॉयज, आइदर ऑफ द टू बॉयज, एनी के स्थान पर क्या आएगा आइदर। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे कह रहा है, He likes the sceneries of the hills. देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में मैं आपको कुछ रूल बताऊंगा, सीनरी और पोएट्री ये दो वर्ड में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये दो वर्ड में आपको बता रहा हूँ उसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सीनरी पोएट्री को हम प्लुरल फॉर्म में कभी भी नहीं लिखते हैं। अब राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा जो एरर है वो है एस में, सीनरीज कभी नहीं होता हमेशा सीनरी होता है, पोएट्रीज कभी नहीं होता हमेशा पोएट्री होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है, डिस्पाइट बी सुपर इंटेलिजेंट ही इज अनेबल टू गेट सक्सेस। इस सेंटेंस का हिंदी अर्थ है, ध्यान से देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, सुपर इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी उसको सफलता नहीं मिली। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, सुपर इंटेलिजेंट होने के बाद भी उसको सफलता नहीं मिली। देखिए बच्चों यहाँ पे जो रूल अप्लाई होगा काफी बेसिक रूल अप्लाई होगा, वो रूल मैं आपको लिखवाता हूँ, आप लिखिए, कष्ट करिए प्लीज लिखने का बच्चों। डिस्पाइट के साथ ऑलवेज हमेशा क्या यूज होता है, आई एन जी फॉर्म यूज होती है। डिस्पाइट के साथ बी कभी सिंगल नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आई एन जी फॉर्म का यूज, डिस्पाइट बीइंग सुपर इंटेलिजेंट ही इज अनेबल टू गेट सक्सेस। तो यहाँ पे जो एरर है वो है पार्ट ए में एरर आपको हमको मिल गई। ठीक है, तो हम एग्जाम में ए आंसर चूज करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे एग्जाम में क्लिक करेंगे। ये एग्जाम सीजर टायर 1 में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो जो सीजर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, वो नोट करें प्लीज। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 में हमसे पूछ रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब उनको फिलर्स देगा, हमको फिलर्स फिल करने हैं, पूरे सेंटेंस को बड़े ध्यान से हमको रीड करना होता है और इसका सही मीनिंग क्या है उसको जज करना होता है, उसको गेट करना होता है, उसको फाइंड आउट करना होता है, उसके बाद में जो भी एप्रोप्रिएट वर्ड हमको लगेगा ए बी सी डी वो हम यहाँ पर फिल कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 अब हम रीड करते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए द प्रिजनर शॉव्ड नो डैश फॉर हिज क्राइम। अगर इसकी हिंदी में बात करी जाए, प्रिजनर होता है कैदी, मुजरिम, अपराधी।
मुजरिम ने मतलब कैदी ने अपने क्राइम के लिए कोई डैश नहीं दिखाया। भाई कोई होता है कि कोई अगर क्राइम करता है थोड़ा पश्चाताप करता है कि हाँ मुझे गिल्टी है, मैंने ये क्राइम करा, अनजाने में सही मुझे इसका पश्चाताप है। तो इसका मतलब क्या होगा? हेटर मतलब नफरत, एंगर का मतलब एंगर, ऑब्स्टिनेसी नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वो होगा हमारे पास ए, रिमोर्स। देखिए जो ये हेट से बना है, हेट, आई हेट यू बोलते हैं ना, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, तो ये नफरत से संबंधित है। एंगर का मतलब गुस्से से है, ये मैं आपको बता चुका था। और ये ऑब्स्टिनेसी का मतलब होता है जिद्दी हट्टी, मतलब बहुत ही, कोई छोटे बच्चे होते हैं ना, मुझे आइसक्रीम खानी है तो खानी है, वो एक तरह से क्या कर रहे हैं, अपना हट कर रहे हैं, जिद्दी हो गए हैं, तो ये उस सेंस में यूज होता है। तो जो भी कोई भी क्रिमिनल होगा, अपराधी होगा, वो हट्टी, जिद्दी, गुस्सा, नफरत, ये सारे वर्ड उसके सेंस में यूज नहीं हो सकते। इसका मतलब होता है पश्चाताप करना। अगर रिमोर्स का मीनिंग आपको पता है, पश्चाताप, तो आप इस वर्ड को एप्रोप्रिएट स्थान पर भर देंगे, ठीक है, फिर करेंगे। तो वोकैब इज अ मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश सेक्शन। विदाउट वोकैब के आप इंग्लिश सेक्शन में अच्छे स्कोर नहीं कर सकते हैं। वोकैब को आप स्कोर बनाइए, वोकैब को मैक्सिमम टाइम आप याद करिए, डेली वोकैब को टाइम दीजिए याद करने के लिए, नाइट में सोने से पहले उसे रिवाइज करिए। और वोकैब की मैंने अगेन आपको रिपीट कर रहा हूँ, राजेश्वरी पब्लिकेशन के नाम पर एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाइए चैनल की प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आप देखिए वोकैब को किस तरीके से आपको याद करवाया गया है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बच्चों, ठीक है, टाइम बहुत अधिक हो रहा है इसलिए वीडियो की लेंथ का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ज्यादा लंबी लेंथ होती है वीडियो की तो बच्चे इतना बड़ी वीडियो देख नहीं पाते हैं और बहुत जल्दी बच्चे बोर हो जाते हैं। वी हैव नॉट येट फुल्ली रियलाइज्ड द डैश कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द वॉर। ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है बच्चों, वार के या फिर युद्ध के परिणाम, जिसको हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंसेस बोलते हैं, परिणाम किस प्रकार के होते हैं? ये हैप्पी होते हैं परिणाम, या प्लीजिंग होते हैं, मतलब अप्रिसिएटिंग ऐसे परिणाम होते हैं कि भाई वाह क्या रिजल्ट आ गया, या एक्साइटिंग होते हैं। तो इस टाइप के जो परिणाम होते हैं वो होते हैं भयंकर, बुरे, बैड और सैड। युद्ध के बाद क्या फैलता है वातावरण में? वो फैलता है सैड, इसको बोलते हैं ग्रीम, ठीक है, भयानक। इस ग्रीम से बना है ग्रीमी, ग्रीमी का मतलब होता है आपका मैला, गंदा करना, लेकिन यहाँ पे ग्रीम का मतलब है क्या, भयानक, भयंकर परिणाम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, हैप्पीनेस कंसिस्ट्स इन बीइंग डैश व्हाट वी हैव। हैप्पीनेस में ये निहित है जो हमारे पास है हम उसमें खुश रहें, जो भी अभी राइट नाउ एट प्रेजेंट हमारे पास में है, अगर हम उसमें खुश रहते हैं तो ये हैप्पीनेस का पहला रूल है, ठीक है। तो इसमें जो है, इसमें आंसर होगा बी, कॉन्टेंटेड विद। इसका मतलब होता है संतुष्ट होना, ठीक है। तो एक बात और कि कॉन्टेंडेड के साथ या कंटेंडेड के साथ हमेशा विद का यूज होता है, ये आप मत भूलना, ये आप अभी याद कर लीजिए इसको, क्योंकि ये क्वेश्चंस एसएससी के एलडीसी एग्जाम में कम से कम 20 से 22 बार पूछा जा चुका है लास्ट 15 ईयर्स में, 15 सालों में ये क्वेश्चंस इतनी बार पूछा गया है। अब आप देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहा है सेंटेंस इंप्रूवमेंट करिए, ही इज डैश हिज फादर, कौन सा वर्ड यहां पर एप्रोप्रिएट होगा वो हमको फिल करना है। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रिसेम्बल का मतलब होता क्या है, ठीक है। रिसेम्बल का मतलब होता है कि एक समान, एक जैसा दिखना, ठीक है। जैसे ट्विंस बेबी होते हैं, दो बच्चे होते हैं ट्विंस, तो वो उनकी शक्ल क्या होती है, हूबहू एक जैसी दिखती है। इसको हम हमेशा, देखो जो रिसेम्बल होता है इसको हम हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज करते हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूं, रिसेम्बल का मतलब जो होता है उसको हम हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज करते हैं। तो अगर आपने टेंस पढ़े हैं तो बस इतना हिंट आपके लिए बहुत है।
आपने अपना राइट आंसर निकाल लिया होगा वीडियो को पॉज करके। निकालिए, कोई बात नहीं, निकालिए आप, मैं वेट करता हूँ 2 सेकंड का। आपको पता है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का रूल क्या है? चलिए देखिए, एग्जाम्पल के बाद कभी भी कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आती है, ये भी रूल है इसके साथ में। ना लाइक, ना ही हैज बीन लगेगा, ना तो यहां पर ये लाइक लगेगा सी पार्ट, ना ही यहां पर लगेगा हैज बीन। क्यों? क्योंकि सेंटेंस में एक रूल है टेंस का, मैं अगेन आपको रिपीट कर रहा हूं, वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो यहां पे राइट आंसर होगा सिंपल रिजेंबल्स, ए इज द राइट आंसर। रिजेंबल लगते ही इज रिजेंबल्स हिज फादर, ये बन गया आपका पूरा प्रेजेंट सिंपल टेंस। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24, My neighbor is having two cars. कोई चीज होने के सेंस में हम यूज करते हैं have, ठीक है, have का यूज करते हैं, या फिर हम लोग has का भी यूज करते हैं according to the sentence, according to the tense, ठीक है, tense के हिसाब से हम लोग चलेंगे यहाँ पर। लेकिन आपको देखिए, अगर आपको पास Have दे रखा हो तो कभी भी वो हैव के साथ आई एन जी फॉर्म का यूज नहीं होता। आप ये नहीं कहते आई हैविंग ए पैन, आई हैविंग ए फूड, आई हैविंग ए लैपटॉप, तो आप बोलते हैं आई हैव ए कार, आई हैव ए बिस्किट, आई हैव ए पैन। तो ये सब क्या होता है, आप हैव के साथ आई एन जी का यूज नहीं करते, ठीक है। अगर आप इसको रिप्लेस करते हो किसी एक ऑप्शन से, तो यहाँ पर सिंगल हैव कहीं पर भी नहीं दे रखा, तो अब क्या करें? तो अब सिंपल हम लोग ये करते हैं, हम यहाँ पे यूज करेंगे हैज का एच ए एस पार्ट सी को हम लोग यहाँ पे फिल करेंगे, हमारे सेंटेंस का सही मीनिंग आ जाएगा। अगर ऑप्शंस में देता हमसे बच्चों, वो कहता हैव, ऑप्शन में अगर हैव देता तो हम यहाँ पे हैव लगा देते, बट यहाँ पे क्या दे रहा है हमसे, हैज। यहाँ पे हम लोग केवल लगाएंगे हैज का यूज करेंगे, ठीक है। तो पार्ट सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। देखिए, his flute recitations was highly appreciated. तो जो ये जो recitations दिया है इसने हमको यहाँ पर, ये जो यूज होता है पोयम वगैरह के लिए यूज करते हैं इसको हम लोग, पोयम्स जो होती हैं, कविताएं वगैरह जो होती हैं, छंद जो होते हैं, उसके लिए हम लोग इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जो गायकी में यूज होता है। बस इतना बहुत है आपके लिए हिंट देना, ठीक है। तो फ्लूट जो है आपका, जो फ्लूट है वो क्या है, वो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल। म्यूजिकल क्या है, वो इंस्ट्रूमेंट है एक तरह से। इसके लिए हम रेसिटल या रिसाइटल का प्रयोग करेंगे, या इसको रिसाइटल बोलेंगे। तो पार्ट ए में जो है हम लोग फ्लूट के साथ हमेशा क्या लगाएंगे, रिसाइटल। तो रिसाइटेशन हमेशा केवल पोयम के उसमें सेंस में यूज होता है, तो यहाँ पे पोयम को लेकर के कोई भी बात वो नहीं कर रहा है। तो फ्लूट के साथ हमेशा क्या लगेगा, रिसाइटल। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर। तो बच्चों ये थे टोटल 25 क्वेश्चंस, सेम रियल एग्जाम से ये क्वेश्चंस लिए गए थे, एग्जाम में कई बार पूछे गए थे, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और आप एक्टिव सब्सक्राइबर हो, अगर आप डेली कुछ नया सीखना चाहते हो, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। और जाने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, स्टडी का मतलब ये नहीं होता कि आप ढेर सारा पढ़ें, ठीक है, कम पढ़ें लेकिन अच्छा पढ़ें। कितना खाया ये कोई मैटर नहीं रखता कि आपने कितना खाया सुबह के टाइम, 10 रोटी खाई 8 रोटी खाई, ये सब्जी खाई, डिपेंड ये करता है कि आपने कितना पचाया। खाना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपने कितना डाइजेस्ट करा, कितना पचाया, वो इम्पोर्टेंट है। मेरा कहने का मतलब क्या है आप समझ गए होंगे आई थिंक, ज़्यादा आपसे मैं इसको डिटेल में नहीं समझाऊंगा, समझदार को ये सारा काफ़ी है और आप समझदार बच्चे हैं। चलिए दोस्तों, लेता हूँ आपसे अलविदा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक का बटन प्रेस करिएगा, और मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। लेता हूँ आपसे अलविदा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।